तो फाइनली टीवीएस कंपनी के जुपिटर 110 2024 मॉडल को लॉन्च किया गया है, जिसमें चार अलग अलग आपको वेरिएंट मिल जाएगा। तो किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, किस प्राइस रेंज पे आपको नई जुपिटर मिल जाएगी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले वीडियो मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दिया था, लेकिन वहाँ पर मैंने अलग अलग वेरियंट में क्या कुछ मिल जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं दिया था। तो आइए डिटेल बात करते हैं कौन कौन से फीचर आपको जुपिटर 110 में मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो लुक और डिजाइनिंग है, जुपिटर 110 सीसी का बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। नए डिजाइनिंग की अब आपको जुपिटर मिलेगी, जो कि पहले से ज्यादा और भी अट्रैक्टिव लुक दे रही है। डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगी, जिसमें चार वेरिएंट जो दिया गया है, इसमें आपको ड्रम ब्रेक सीट मेटल व्हील के साथ मिलेगा, जहाँ पे आपको तीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें मिट्योर रेड, टाइटेनियम ग्रे और लूनर व्हाइट देखने को मिल जाती है। वह इसका जो दूसरा वेरियंट है ड्रम ब्रेक एलाविस के साथ, यहाँ पे भी आपको मिट्योर रेड, टाइटेनियम ग्रे, लूनर व्हाइट और स्टार लाइट ब्लू एक एक्स्ट्रा कलर ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर आप स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला वेरिएंट लेते हैं, जिसमें आपको डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे टोटल आपको तीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे डॉन ब्लू मैट, गैलेक्टिक कॉपर मैट और स्टार लाइट ब्लू ग्लॉसी कलर के साथ देखने को मिल जाएगी। तो टॉप वेरियंट जो डिस्क और ड्रम के साथ आएगी, वहाँ पर केवल तीन का ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि टोटल छः का ऑप्शन ही मिलते हैं, लेकिन बेस मॉडल में कुछ और कलर मिलेगा, मिडिल वेरिएंट में कोई और टॉप वेरिएंट में आपको अलग अलग कलर देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग वेरिएंट में किस वेरिएंट में कौन से कलर मिलते हैं, मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया है। बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है वो अगर देखते हैं, तो जो बेस वेरिएंट है इसके फ्रंट में देखेंगे तो हेड के ऊपर आपको हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि आपको डुअल टोन के साथ मिल जाएगा। फ्रंट एप्रन पे आपको नया इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा और यहाँ पे ब्लैक पार्ट आपको देखने को मिल रही है, और साइड से भी इसका लुक और डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। पीछे आपको इन्फिनेटिव टेलेम डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन वही स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ लेते हैं तो यहाँ पे जो फ्रंट से लुक है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो DRS दी गई है वो आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिल जाता है, और ब्लैक पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया गया है। तो डिजाइनिंग में थोड़े बहुत एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग वेरियंट में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी, और कलर ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो इंजन है लगभग सभी में सेम इंजन मिलेगा, 113.3 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि पहले से रिफाइंड करके इसको लॉन्च किया गया है। 8.02 PS का पावर और 9.2 NM का टॉर्जन करती है, साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक और रियर ट्यून ट्यूब इमिशन शॉक ऑब्जर्वर विद 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम और टायर साइज पहले जैसी है। फ्रंट और रियर में 90x90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जो कि बेस मॉडल में सीट मेटल व्हील मिलता है, और इसमें आपको ऑप्शनल फ्रंट में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों मिल जाएगा। रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। साथ ही फीचर्स की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट में आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। बेस मॉडल में लेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल की डिजाइनिंग बेस मॉडल की देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ लेंगे तो इसमें फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नए डिजाइनिंग की इस मॉडल में दी गई है, जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है। यहाँ पे कॉल, SMS नोटिफिकेशन, फाइंड माई व्हीकल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज, नेविगेशन असिस्ट और वॉइस असिस्ट का फीचर यहाँ पे दिया गया है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे लार्ज बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे दो हेलमेट आराम से आ सकते हैं, काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं। 33 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। फुली LED हेडलैम्प के साथ इन्फिनिटी आपको DRS देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है, और इसके साथ ही जो बड़ा बदला हुआ है जुपिटर 110 सीसी में, मेटल मैक्स के साइड वाले पैनल दिए गए हैं, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो स्ट्रेंथ है पहले से ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको टॉप मॉडल में टर्न सिग्नल रीसेट मिल जाएगा, यानी कि अगर आप कहीं पे भी मोड़ते हैं अपने स्कूटर को और टर्न सिग्नल ऑन करते हैं और आगे चल के आप भूल जाते हैं, तो ऐसे में आपकी स्कूटर 100 मीटर या फिर 20 सेकेंड के अंदर ही टर्न सिग्नल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसके अलावा इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल दिया गया है, यानी कि पैनिक होकर आप ब्रेक लगाते हैं तो पीछे का जो ब्रेकर्स है ऑन हो जाएगा, जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ी को ये पता चल सकेगा कि आप पैनिक होकर ब्रेक लगा रहे हैं। ये भी फीचर मिल जाएगा, जो कि टॉप वेरिएंट मिलेगा। फ्रंट में ग्लोव बॉक्स 2 लीटर की मिल जाती है, जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी फ्यूल की थोड़ी सी बचत होगी। और इसके अलावा टॉप वेरिएंट में एक फीचर और मिल जाता है, जो कि TVS iGo असिस्ट दिया गया है, जो कि आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट डिस्क और ड्रम में केवल मिलेगा, बेस मॉडल में ये फीचर नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके स्कूटर इंजन कंट्रोलर और बैटरी से तीनों का कॉम्बिनेशन करके
आपको इंस्टेंट पावर इंजन बैटरी के थ्रू भी कंट्रोलर के जरिए आपको मिल जाएगा, जिससे कि अगर आप कोई चढ़ाई वाले जगह पर जाते हैं तो आपको पावर ज़्यादा चाहिए होगा, तो ऐसे में आपको इसके बैटरी के थ्रू भी आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। साथ ही आपके फ्यूल की भी थोड़ी सी बचत होगी, पहले से 10% ज़्यादा आईगो असिस्ट के साथ आपको माइलेज मिलने वाला है। तो ये इसके टॉप वेरियंट मिलेगा, बेस मॉडल में नहीं मिलता है। तो अलग अलग वेरियंट में जो फीचर्स मिलते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। वहीं इनकी जो सीट हाइट है सभी का सिमिलर है, 770 mm, फ्यूल टैंक 5.1 लीटर की है, और जो कर्व वेट है बेस मॉडल के साथ 105 kg है, लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिंग के साथ जाएंगे टॉप वेरियंट 106 kg तक कर्व वेट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात आती है प्राइसिंग की, किस प्राइसिंग पे लॉन्च की गई है। तो बेस मॉडल की कंपनी ने प्राइस के रिवील की है, जिसका एक्सम प्राइस दिल्ली में 73,700 यानी कि 73,700 रुपये तक रखी गई है। तो इस प्राइसिंग पे अभी फिलहाल लॉन्च की गई है, इंट्रोड्यूस किया गया है इसको। बाकी जो अलग अलग वेरियंट है, तीन वेरियंट का और प्राइस जैसे आएगी आपके साथ शेयर कर देंगे। तीन वेरियंट की अगर प्राइस की अगर बात करें तो बेस मॉडल की प्राइस आप देख ही सकते हैं इतना रखा गया है। इससे 2 से 3 हज़ार रुपये अपर ड्रम ब्रेक आएगा, स्मार्टफोन कैटेगरी 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा हो सकती है, और टॉप मॉडल लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये और भी महंगे प्राइस पे लॉन्च हो सकती है, यानी कि 90 हज़ार के एक्स रूम प्राइस पे लॉन्च हो सकती है। तो इतना बजट अपना लेके आप चल सकते हैं। तो टीवीएस जुपिटर 110 में जितने भी बदलाव किए गए थे, अलग अलग वेरियंट में जो फीचर्स मिलते हैं, जो कलर ऑप्शन मिलते हैं, मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके साथ ही इसकी जैसी सभी वेरियंट का प्राइस बता दिया जाएगा आपके साथ वीडियो फिर से लेकर आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके और आपके नज़दीकी शोरूम पे ही जल्दी अवेलेबल भी हो जाएगा। मेरे नज़दीकी शोरूम पे जैसे आती है आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।